गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग ए लाइन ब्रेक। व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन ब्रेक एंड वेयर वी यूज लाइन ब्रेक। टू नोट दैट द टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज अपीयर इन ए सिंगल लाइन अंटिल यू इंट्रोड्यूस ए पैराग्राफ टैग। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि नोट द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। आपने देखा होगा कि वेब पेज पे जो टेक्स्ट दिखाई देते हैं एक सिंगल लाइन में दिखाई देते हैं अंटिल यू इंट्रोड्यूस, जब तक आप बताते हैं, और उसको हम पैराग्राफ से बताते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए आप पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो देयर आर द सिचुएशन वेन यू डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ। यहाँ पर एक सिचुएशन यह है, स्थिति यह है कि आप जब नया पैराग्राफ क्रिएट नहीं करना चाहते। देर आर सिचुएशन वेन यू डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ बट स्टार्ट अ कॉन्टेंट इन ए न्यू लाइन। लेकिन आप अपना जो कॉन्टेंट लिखना चाहते हैं वो नए लाइन से लिखना चाहते हैं। तो सो इन सच ए सिचुएशन, इस कंडीशन में यू कैन इंक्लूड ए लाइन ब्रेक। तो आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? लाइन ब्रेक इन ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में लाइन ब्रेक लगा सकते हैं। टू द बी आर टैग, दिस इज द बी आर टैग। टैग टैग इज यूज टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक। तो वी यूज बी आर टैग टू क्रिएट लाइन ब्रेक। दिस इज वेरी सिंपल, मे बी अंडरस्टैंड। बी आर टैग इज यूज टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक। नेक्स्ट इज द कोड फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक इज HTML हेड टाइटल। टाइटल, द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट इज टाइटल पेज। टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी H1 एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लेवल हेडिंग H1 क्लोज एंड पैराग्राफ। दिस इज द पैराग्राफ, यू ऑलरेडी नोन डैट। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड नाउ वी यूज बी आर टैग। बी आर टैग नोट that this content is appearing on the next line. This content is appearing on the next line. P tag. This is a new paragraph. This is the new paragraph. Here is the paragraph starting and here is the closed paragraph. And here is starting paragraph and here is closed the paragraph. Body close and HTML close and output of this and output is this. So you just type this and you get the output on your web browser this. So this is the use of br tag. Next is, so next topic is aligning content. Aligning content, what is the use of aligning content? तो बाय डिफ़ॉल्ट द कंटेंट अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए वेब पेज। जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो वह वेब पेज पर, आप कोई सेटिंग नहीं करते हैं तो वह वेब पेज पर कहाँ दिखाई देता है? आपके लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देता है। कोई भी टेक्स्ट होगा वह लेफ्ट साइड से दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट द कंटेंट अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए वेब पेज। हाउ एवर यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स एंड डिस्प्ले इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। कैसा हो कि आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकें और वह दिखाई दे आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिस्प्ले ए हेडिंग इन ए सेंटर ऑफ ए वेब पेज। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि कोई हेडिंग हो वह वेब पेज पर वह बीच में दिखाई दे। आप ऐसा चाहते हैं कि वह हमारा जो टाइटल हो, हमारा जो टेक्स्ट हो, वह सेंटर में दिखाई दे। तो फॉर एलाइजिंग कॉन्टेंट द एलाइज एटीब्यूट इज यूज, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एलाइज एटीब्यूट का यूज करते हैं। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एलाइज एटीब्यूट आर सेंटर लेफ्ट राइट एंड जस्टिफाई। तो हियर इज द सम एटीब्यूट्स सेंटर लेफ्ट राइट एंड जस्टिफाई। द सेंटर वैल्यूज एलाइज द कॉन्टेंट टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज। सेंटर दिखाएगा वेब पेज के सेंटर में, आप सेंटर वैल्यू का यूज करेंगे। राइट वैल्यूज एलाइज द कॉन्टेंट टू द राइट साइड ऑफ द वेब पेज, या वेब पेज के राइट साइड में दिखाई देगा जो आप राइट वैल्यू यूज करते हैं। द जस्टिफाई वैल्यू जस्टिफाई योर कॉन्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट द कॉन्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली बिटवीन द मार्जिन। यह अपने आप से सेट करेगा कि चारों तरफ से वह कॉन्टेंट बराबर में दिखाई दे। द लेफ्ट वैल्यू इज
द डिफॉल्ट वैल्यू, और जो लेफ्ट वैल्यू होता है वह डिफॉल्ट वैल्यू होता है, एंड इट अलाइज द कॉन्टेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वेब पेज, और वह कॉन्टेंट कहाँ दिखाई देता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में दिखाई देता है. सो दिस इज द अलाइजमेंट, अलाइजिंग कॉन्टेंट. एंड नेक्स्ट इज, हियर इज द सम कोडिंग. मे बी दिस इमेज इज नॉट क्लियर, तो दिस इमेज आई विल शो यू, आई विल सेंड यू विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप, एंड यू कैन सी ऑन योर डॉक्यूमेंट ऑन योर मोबाइल. तो आई विल एक्सप्लेन. हियर इज रिटन हेड, हियर इज बॉडी, H1 अलाइज सेंटर, एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लेवल हेडिंग H1 क्लोज. नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग, दिस इज द पैराग्राफ. तो दिस इज द टॉपिक फॉर टूडे. सो दिस इज द टॉपिक फॉर टूडे. बट बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, हियर इज रिटन H3 अलाइज राइट, एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लेवल हेडिंग और H3 क्लोज. पैराग्राफ अलाइज राइट, दिस कॉन्टेंट इज राइट अलाइज अलाइज, पैराग्राफ क्लोज. H4, फिर नेक्स्ट इज पैराग्राफ अलाइज, फिर बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. तो सो दिस यू कैन डू ऑन योर नोट पैड एंड यू गेट द आउटपुट ऑन योर वेब ब्राउजर. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अलाइजमेंट. यू जस्ट सेट एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लेवल हेडिंग इन द सेंटर, अगेन सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड. दिस इज द यूज ऑफ अलाइजमेंट, हाउ टू अप्लाई ऑन योर डॉक्यूमेंट. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.